अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद जावेदुद्दीन शाह फारसी TV7 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की ये खास खबर। नाज़रीन, आज मोइनाबाद रोड पर एक सड़क हादसा पेश आया। जी हाँ नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक TRS के विजयनगर कॉलोनी के उम्मीदवार कॉरपोरेटर गोपा अभिषेक राज और उनके दोस्त बर्थडे पार्टी में शराब नोशी करने के बाद कार चला रहे थे, जिसकी वजह से ये सड़क हादसा पेश आया, जिसमें सब लोग शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी लोगों को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी की हिदायत पर विजयनगर कॉलोनी के कॉरपोरेटर डॉक्टर खासिम ने दवाखाना उस्मानिया पहुंचकर ज़ख्मी लोगों की हिदायत की। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अफरोज़ की ये तफसीली खबर। कितनी देर वहाँ गिर गया? साढ़े चार बजे कुछ। हाँ तो जब से देखते हैं उल्टी उल्टी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, कोई उल्टी नहीं हुई, उल्टी 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 कुछ नहीं। कंबर में फ्रैक्चर आया, वो उसको प्लास्टर डालना पड़ता है, बोल रहे एड्रेस देना पड़ता है, बोल रहे 3 से 4 हफ्ते। अभी अभी ब्रेन का भी करना है, वहाँ लेके जाएंगे। ये मोहम्मद सर, मोहम्मद सर ये ऊपर 212 में डॉक्टर जो बोले कमर में उनको हो गया, बोले सिम्टम्स तो नहीं है, मैं भी डॉक्टर हूँ, सिम्टम्स तो नहीं है उनको, ना वॉमिटिंग हुई है ना कुछ हुआ। ठीक है देखेंगे। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मोइनाबाद के पास विजयनगर कॉलोनी कंटेस्टेड TRS पार्टी के कॉरपोरेटर इलेक्शन में जो ठहरे हुए थे कंटेस्टेड अभिषेक, वो उनके दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में गए थे मोइनाबाद। वहाँ पर पार्टी ख़त्म होने के बाद नशे के हालत में गाड़ी वापस हो रहे थे हैदराबाद के साइड, तो मोइनाबाद में उनका कंट्रोल गाड़ी पे से हट गया और गाड़ी टर्न हो चुकी थी। और उनके साथ जो है हमारे हुमायूं नगर जहरा मस्जिद के मुकामी सैफ और एक नागेंद्र और एक सनाउल्ला, ये लोग गाड़ी में थे। उन लोग बेहोश होने के बाद अभिषेक जो कंटेस्टेड थे कॉरपोरेटर विजयनगर कॉलोनी डिवीज़न से, उन लोगों को वहीं छोड़कर वो एब्सकॉन्डिंग हो गए। तो वहां के मुकामियों ने एम्बुलेंस बुलाई और उनको भास्कर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, वहां से उस्मानिया को शिफ्ट किया गया। ये इतला मिलते ही बैरिस्टर सऊदी नवैसी साहब और जनाब जाफर हुसैन मेरा साहब MLA साहब मुझे इन्फॉर्म किए और कहे कि जाकर फौरन उस्मानिया हॉस्पिटल जाकर इन लोगों का हालचाल पूछिए और इनके ख़ानदान वालों से मिलकर तफसीलात बताने को कहे हैं। उनके हिदायत पर मैं यहाँ पर आया, दोनों पेशेंट्स को देखा, एक तो बहुत क्रिटिकल है और एक जो है उनका एक फ्रैक्चर हो गया, हिप फ्रैक्चर हुआ है, वो भी जो है इमरजेंसी में ऑब्जर्वेशन में है, उनको भी सर पर चोट लगी है, दोनों ऑब्जर्वेशन में हैं। और एक को तो माइनर इंजरीज हुए हैं। और अभिषेक जो थे कंटेस्टेड विजयनगर कॉलोनी TRS के, उनको कॉल करने की कई कोशिश करे तो वो जो है कॉन्टेक्टेबल नहीं है और उनका फ़ोन बंद है। तो मैं इंशाल्लाह इसकी इतला
एमएलए साहब जाफर हुसैन मेरा साहब को दूंगा और इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी हम ज़रूर इसको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। शुक्रिया। आपको स्कॉन्डिंग है और ये गाड़ी जो है स्विफ्ट गाड़ी थी मोइनाबाद पे जो टर्न हो गई तो मोइनाबाद पीएस में गाड़ी है इतला में मुझे ये मिली है और एमएलए साहब मुझे इतला दिए कि ऐसा मालूम हुआ और सदर मजलिस बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मैं फ़ौरन यहाँ पर आया। हमारे एरिया के सदर इरफान लाला है और जाहिद साहब है इन लोग के साथ मैं आया और यहाँ पर तफसीलात हासिल किया और इंशाल्लाह मैं जो भी कार्रवाई है हम इसको पूरी मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। जिंदगी का सफर नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। जिन लोगों ने अपने आज को सवारा है ऐसे ही शख्सियतों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। अपने कल को बेहतर बनाने के लिए अपने आज को सवारें। बेहतरीन वक्त के लिए बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। मशहूर और मारूफ शख्सियतें जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर वक्त का सामना किया ऐसे ही शख्सियतों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। आइए नाजरीन देखते हैं प्रोग्राम जिंदगी का सफर नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल आपके अपनी जावेद वारसी के साथ टीवी 7 उर्दू पर।